किसी से भी कह के, किसी से भी करके आप एक YouTube चैनल, एक Facebook पेज जरूर बनाइए और सोशल मीडिया पे जरूर आइए। आप अपने काम को जितना ऑफलाइन में करते हैं उससे 10 गुना बेटर, उससे 100 गुना बेटर आप ऑनलाइन ले जाकर के कर सकते हैं। और ये चीज मैंने पिछले 7 साल में सीख ली है। अभी मैंने टूल्स वीला देखा तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा लोग अलग अलग फील्ड के टूल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड और हमारा अपना जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है, और भी बहुत सारे टूल्स, हर मतलब किसी भी काम करने के लिए जो भी टूल्स की जरूरत पड़ती है, तो टूल्स का मिलना अभी मार्केट में बहुत ज्यादा आसान हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ हैं फैयाज सर, जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं। वो अपने चैनल रजा इंटीरियर से इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में बहुत जानकारी देते हैं, जिससे बहुत लोग अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपका प्लान है इंटीरियर डिजाइन का काम शुरू करने का, या तो फिर अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जरा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फैयाज और मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है, होम इंटीरियर से रिलेटेड हम सारे ही काम करते हैं, जैसे पीवीसी पैनलिंग या पीवीसी सीलिंग हमारा मेन फोकस में रहता है, और उसके अलावा इंटीरियर डिजाइन में जो भी चीज़ें आती हैं वो काम हम करते हैं। हमारा जो ऑफिस है मेनली वो चंडीगढ़ में है, और दिल्ली हम कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का फैमिली बिजनेस है। नहीं, हमारा फैमिली बिजनेस नहीं है, मैं आपको बताऊं। बेसिकली इस काम में केवल अपनी फैमिली से हम ही आए हैं, एक मेरे छोटे भाई हैं सरफराज और मैं हूं। तो अभी इस काम को ना तो मेरे कोई विलेज में इस काम को करता है, और ना कभी किसी ने आसपास में किसी ने किया है। अभी ये हमारा खुद का अपना, मेरा छोटा भाई है, मैं हूँ, हम इस बिजनेस में पहली बार आए हैं, और फर्स्ट टाइम हमने कुछ जो है वो अलग करने की कोशिश करी है, पूरे अपने रिलेटिव्स में, अपने आसपास में, सभी में। तो ये हमारा बिल्कुल सेपरेट, सबसे हट करके काम है। जैसे कि हमने देखा, रजा इंटीरियर पहले एक टेक चैनल था, फिर उससे आप इंटीरियर डिजाइनिंग में उसको चेंज कर दिए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं, 7 साल पहले जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट करा था, तो ये मेरा टेक चैनल था। टेक चैनल किस वजह से था, क्योंकि टेक मेरा शौक है। आज भी मैं कितना भी बिजी रहने पर इंटीरियर डिजाइनिंग का हम काम करते हैं, पूरा दिन बिजी रहते हैं, एंड एज एन इन्फ्लुएंसर मैं यहाँ पर काम करता हूँ, लेकिन मैंने अपने शौक को, अपनी पैशन को छोड़ा नहीं है। भले ही मैं वीडियोस टैग के ऊपर नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, उस टाइम मुझे जब मैंने टैग वीडियोस बनाना शुरू करा था, फर्स्ट टाइम इस चैनल को जब मैंने क्रिएट करा था, इस चैनल का नाम FS ट्यूब नाम से था, और उस पर मैं मोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता था। तो वो जब मेरा टाइम था, उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा लगाव था टेक फील्ड से, तो मैं उसी की इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कराना चाहता था। तो मैं सोचता था कि जिस फील्ड का आपको शौक है, जिस फील्ड का पैशन है, तो उसको मैं ऑनलाइन लेके जाऊं, तो शायद चैनल मेरा जल्दी ग्रो करेगा। मैं लेके गया, लेकिन देखा कि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा था, तो उस फील्ड में कॉम्पिटिशन ऑलरेडी ज्यादा था। तो लगभग 100-150-200 वीडियोज मैंने वहां पर क्रिएट करी, कोई रिजल्ट इतना खास नहीं मिला, लोगों को बात पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने उसको क्विट करा। और हम रेगुलरली काम कर ही रहे थे, थोड़ा थोड़ा काम अपना जो है चल रहा था उस टाइम ऑफलाइन मार्केट में, तो मैंने सोचा क्यों ना हम, तब मेरा मतलब गोल ये नहीं था कि यूट्यूब चैनल को मुझे ग्रो करना है, यूट्यूब चैनल से पैसा कमाना है, बस अपना जो इंटीरियर डिजाइनिंग का वर्क मैं यहाँ पर लेकर के आया, उस टाइम में मैंने इस करके वीडियोज डाली कि ऑफलाइन में हमें काम कम मिल रहा है, तो ऑनलाइन ले जा करके शायद ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे, हमारा काम लोगों को पसंद आए, क्योंकि हम तब भी ऑफलाइन मार्केट में सबसे बेस्ट अपना कर रहे थे काम। तो मैं ऑनलाइन लेके गया इस चैनल को, मैंने तभी से जो है वो टैग से इंटीरियर डिजाइन में कन्वर्ट करा, और ये चैनल हमारा काफी आगे गया। आज 4.5 लाख लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, रजा इंटीरियर एक अपने आप में ब्रांड बन चुकी है, और मैं सभी रजा इंटीरियर के देखने वालों का शुक्रगुजार हूँ। आप सभी ने इस चैनल को बहुत आगे लेकर के गए हैं, और नेक्स्ट भी हमारा जो मोटिव रहेगा, हमारा जो गोल रहेगा, पूरा फोकस ये रहेगा कि कस्टमर को बेस्ट सर्विस दे पाए और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको अपने काम से रिलेटेड दिखा पाए।
जैसे कि आपको मेनली पीवीसी सीलिंग के लिए जाना जाता है, देखिए, उसके अलावा आप कौन कौन से इंटीरियर डिजाइनिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? पीवीसी सीलिंग, पीवीसी पैनलिंग और पीवीसी में बहुत सारे मटेरियल और भी आते हैं। जैसे अभी मेरे बैकसाइड में आप, ये पीवीसी का ही मटेरियल लगा हुआ है, तो ये 2x2 की शीट्स आती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग में हमारे पास में किचन कपबोर्ड वगैरह होती हैं, और वॉल डेकोरेशन के लिए, सीलिंग डेकोरेशन के लिए बहुत सारे आइटम्स आते हैं। WPC पैनल है, चारकोल लुअर्स पैनल हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वॉल स्टिकर टाइल्स हैं, या आपकी POP सीलिंग वगैरह हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमारे पास में पूरा टाइल्स का पूरा काम है, और एल्यूमिनियम का हमारे पास में पूरा काम है, ग्लास वर्क हमारे पास में पूरा है, तो ऑल ओवर इंटीरियर डिजाइनिंग का पूरा ही काम हमारे पास में है। तो जो मर्जी चाहे आप जो दोस्तों करा सकते हैं। तो आपके इस बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं और उसका सॉल्यूशंस आप कैसे निकालते हैं, अगर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएंगे तो? देखिए, जैसे कि पहले पहले ऐसा होता था कि वुडन वर्क में काफी मेहनत पड़ती थी। लकड़ी का काम एक ऐसा काम है जिसमें अब से अगर हम 4-5 साल पहले जाएं तो इस काम को करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और अभी नए नए टूल्स मार्केट में आने की वजह से, जैसे कि एक है, ये आता है एज बेंडिंग की कटिंग के लिए, तो ज्यादातर हम कटर वगैरह इस्तेमाल में लेते हैं या कोई ऐसे चीजें इस्तेमाल में लेते थे पहले, तो वो ज्यादा फिनिशिंग वाला नहीं होता था, काम भी ज्यादा बहुत ज्यादा लेट होता था। तो उसकी उन सारी चीजों को देखते हुए तो अभी मार्केट में एक जबरदस्त टूल आ गया है, जो कि राउटर मशीन है। उसका इस्तेमाल करके काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। और भी बहुत सारे टूल्स ऐसे ऐसे हैं मार्केट में, जैसे रंधा मशीन है, तो उसके उसके अलग एक इलेक्ट्रिक मशीन आ गई है, उसको उस जो हम रंधा मार के काम करते हैं, वो काम हमारा जो घंटों का काम था वो मिनटों में हो रहा है। जो ड्रिल मशीन की बिट वगैरह आ गई हैं, जिनकी वजह से काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। मिनटों घंटों का काम जो पूरे पूरे दिन लग जाता था जिन कामों में, उनमें वो बहुत ही आसानी काम जल्दी हो रहे हैं। तो जैसे कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए टूल्स का रहना बहुत जरूरी होता है, तो आपके देखिए, फील्ड में ऐसे कौन से टूल्स हैं जो रहना जरूरी है? पीवीसी पैनलिंग का काम हो, वुडन वर्क का काम हो, या एल्यूमिनियम का, या ग्लास वर्क हो, सारे ही काम में ज्यादातर सेम टूल्स जो इस्तेमाल में होते हैं, जैसे कि ड्रिल मशीन है, मेनली हमारे पास में ड्रिल मशीन हैमर मशीन है, और पेपर कटर होता है, और एक किलो हैमर वगैरह होती हैं, और भी बहुत सारे टूल्स ऐसे ऐसे हैं जो हमारे काम में आते हैं। मैं वो आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। तो ये सारे टूल्स बेसिकली हमारे वुडन वर्क में भी अप्लाई होते हैं, और जो हमारा पीवीसी का काम है इसमें भी हमारे सारे ये टूल्स अप्लाई होते हैं। तो ज्यादातर जितने भी हमारे होम इंटीरियर डिजाइनिंग के काम होते हैं, सभी में सेम टूल हमारे रहते हैं। तो सर, पहले के मुकाबले अभी टूल्स मिलना, मतलब मार्केट में मिलना कितना आसान हुआ है? देखिए, टूल्स की मैं अगर बात बताऊं, तो जैसे मैं अभी टूल्स विला पर आया हूं, तो यहां पर मैंने देखा कि इस जैसा ये चैनल है, टूल्स विला है, और भी बहुत सारी अलग-अलग इस कैटेगरी में बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो इनके आने की वजह से टूल्स का मिलना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। आप पहले, अभी मैंने टूल्स विला देखा, तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा लोग अलग-अलग फील्ड के टूल्स यहां पर दिखाए गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और हमारा अपना जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है, और भी बहुत सारे टूल्स, हर मतलब किसी भी काम करने के लिए जो भी टूल्स की जरूरत पड़ती है, तो टूल्स का मिलना अभी मार्केट में बहुत ज्यादा आसान हो गया है। इनको आप ऑनलाइन वगैरह भी परचेज कर सकते हैं, या ऑफलाइन मार्केट से आसानी से ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने शुरू में बताया कि आप ऑनलाइन में अपना ज़्यादा मार्केटिंग करने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे, तो अगर अब हमारे व्यूअर्स को थोड़ा उस बारे में बताएंगे, थोड़ा नॉलेज शेयर करेंगे अपना? देखिए, मैं स्पेशली सभी उन भाइयों को बताना चाहूंगा जो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइन या एक्सटीरियर वर्क जो भी कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो और भी किसी भी फील्ड में हो। तो अभी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए देखिए, यूट्यूब और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक वगैरह, ये सारी चीजें, तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, मैं आपको कहता हूँ, आप चाहे वो पढ़े लिखे हो ना हो, किसी से भी कह के, किसी से भी करके आप एक YouTube चैनल, एक Facebook पेज जरूर बनाइए, और सोशल मीडिया पे जरूर आइए। आप अपने काम को जितना ऑफलाइन में करते हैं, उससे 10 गुना बेटर, उससे 100 गुना बेटर आप ऑनलाइन ले जाकर के कर सकते हैं। और ये चीज मैंने पिछले 7 साल में सीख ली है। जब हमने अपना काम स्टार्ट करा था, तो हमारा काम ऐसा था, मतलब उस टाइम मार्केट में भी कंपटीशन ज्यादा था ऑफलाइन मार्केट में, तो ऐसा होता था काम मिलना बड़ा मुश्किल होता था।
इस काम को हम मैंने जब ऑनलाइन शुरू किया तो काफी लोगों ने हमारा काम पसंद करा, और इसी की वजह से, यूट्यूब चैनल की वजह से आज हम पूरे वर्ल्ड में जाने जा रहे हैं रजा इंटीरियर के नाम से, और अपने काम को बखूबी जो है वो जो हम ऑफलाइन में काम कर रहे थे उससे कई गुना बेटर हम ऑनलाइन मार्केट से अभी काम कर रहे हैं। तो 2024 में अगर हम बोलें कि इंटीरियर डिजाइनिंग में कितना कंपटीशन है, मतलब अगर कोई शुरू करना चाह रहा है इस साल, तो प्रॉफिटेबल है अभी बिजनेस? देखिए काम आसान हो गए टूल्स के, ज्यादा मतलब नए नए टूल्स आने की वजह से अभी जो हमारा मेहनत का काम था वो बहुत कम हो गया है। तो अभी मैं सभी भाइयों को जो भी काम सीख रहे हैं, करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मैं उनको सभी को बताना चाहूंगा डिमोटिवेट ना हो, इंटीरियर डिजाइनिंग में आप बेफिक्र होकर के यहाँ पर घुस जाइए। तो अभी तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है, लोग घरों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इंटीरियर डिजाइनिंग मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पर आप आइए, जुड़िए किसी भी काम में इंटीरियर डिजाइनिंग के, चाहे वो आप सेपरेटली किसी वुडवर्क ले लीजिए, ये वॉल डिकोर या सीलिंग डिकोर का काम ले लीजिए, या और भी बहुत सारे काम इंटीरियर डिजाइनिंग में आते हैं, एलुमिनियम किचन कपबोर्ड वगैरह ये सारी चीजें। तो आप कुछ भी काम में अपना हाथ डालिए, कुछ भी काम को करने की कोशिश करिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। सर, जैसे कि आपके YouTube चैनल को देख के बहुत कोई सीख रहे हैं, बहुत कोई इंस्पायर हो रहे हैं और वो लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए मैं वैसे तो जितनी भी मेरी YouTube फैमिली है लगभग 4,50,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो काफी सारे ही लोग हमसे खुश हैं। कभी आज तक मैंने अपने चैनल पर निगेटिव कमेंट्स नहीं देखे हैं, क्योंकि हम बेस्ट काम अपना प्रोवाइड कराते हैं, जो लोग क्वालिटी मांगते हैं उससे बेहतर हम करने की कोशिश करते हैं। कभी आज तक हमारे पास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कमेंट्स में आकर बोला कि हमारा हमने इनसे काम कराया, हमें ऐसा काम मिला, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। वो इस वजह से केवल और केवल कि हमारा जो काम है वो बेस्ट क्वालिटी का काम है, और हम अपने कस्टमर को बेस्ट ही क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं, जो वो चाहते हैं उससे बेहतर हम करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा काम ऑनलाइन है, ऑनलाइन काम देख करके हमें लोग काम देते हैं। तो अगर वो जो चीज वो वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं, अगर वो उनको जो उनकी नजरों के सामने अगर वो ना मिले तो वो बात सही नहीं होगी। तो मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को ये बात कहना चाहूंगा, अपनी तरफ से आप बेस्ट करने की कोशिश करें, कहीं पर भी काम इस तरह ना करें आप कि आपको बस काम निपटाना है, जल्दी जल्दी काम खत्म किया और अपने घर चले गए, पैसे लिए और फिर दूसरा उस आदमी से कोई मतलब नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको मार्केट में रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहना है, तो आप लोगों का, जिस भी कस्टमर का आप काम कर रहे हैं, बेस्ट करिए, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करिए। जो लोग वो वीडियोस देख करके आ रहे हैं उससे बेहतर आप करने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग टर्म आप मार्केट में चल पाएंगे। तो आपने ये एक बात बहुत अच्छी कही है कि हम लोग क्या डिलीवर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो शुक्रिया सर आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। टूल्स विलिया टीम्स के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक ओके थैंक यू। और यू। मैं लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा टूल्स विला को, कि पहली बार मेरा, अभी देखिए जितने टाइम से मैं 7 साल से मार्केट में हूँ, काफी फेमस हम हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई इंटरव्यू नहीं किया था। फर्स्ट टाइम टूल्स विला पर मेरा पहला इंटरव्यू है, और इसके लिए मैं टूल्स विला की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पहली बार टूल्स विला पर आया, अपना इंटरव्यू यहाँ पर शेयर किया, लोगों के साथ में अपनी बात शेयर करी, मेरा अपनी बात शेयर करने का मुझे मौका मिला। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।